ये नमाजों के औकात मालूम करने के लिए इन्वेंट किए गए कंपासेस। ये मुसलमान साइंटिस्ट के इन्वेंट किए हुए नेविगेशन इक्विपमेंट्स अर्ली सेंचुरीज में, जो उस वक्त के एक्सप्लोरर यूज़ किया करते थे। स्पेशली जो तीन स्टिक वाला आपको इक्विपमेंट दिख रहा है, वास्को डी गामा, ये इक्विपमेंट यूज़ किया करता था जब उसने 6th century में अपनी एक्सप्लोरेशन का सफ़र का आगाज़ किया। ये उस टाइम के बनाए हुए कंपासेस। मॉडर्न GPS टेक्नोलॉजी जो है उसकी बेसिक स्टेटिस्टिक्स की जो स्टडी है वो इन्हीं कंपासेस पर बेस करती है, जिनकी जो इनकी बेसिक जो मैग्नेटिक फील्ड जो है जिसकी बुनियाद पर ये कंपासेस ऑपरेट करते हैं। हमारी मॉडर्न GPS टेक्नोलॉजी की एक्चुअली बुनियाद 7th century में मुसलमान साइंटिस्ट ने रख दी थी। ये एक और इंस्ट्रूमेंट मुस्लिम साइंटिस्ट का बनाया हुआ, ये इस्तेमाल किया जाता था 6 stars की के कोऑर्डिनेट से स्टडी करने के लिए। इसे ऑपरेट करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत होती थी, और इसको बनाने वाले जो साइंटिस्ट थे तकीउद्दीन मोहम्मद अल-इस्तांबुली, वो अपने ज़माने के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माने जाते थे।